तो आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने एमवैट चालू किया है, अब एमवैट में हमने स्टार्टिंग में सारे डेफिनेशन खत्म किए और उसके बाद हमने क्या किया था, तो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट चालू किया था जिसके भी अपने ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आई होप तुम लोग थोड़ा सा रिवाइज करके आए रहोगे। एक बार मैं फटाफट रिकैप कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन सबको करना कंपलसरी नहीं होता, कोई भी डीलर अपने मर्जी से गवर्नमेंट को एमवैट पे कर सकता है, बट कंपलसरी कब होगा, अगर वो डीलर उस कंडीशन में पकड़ा जाएगा। तो कंडीशन कैसे डिसाइड करेंगे, पहले सोचना पड़ेगा भाई साहब वो इंसान इंपोर्टर है कि अदर डीलर है। इंपोर्टर मतलब कौन, जो महाराष्ट्र के बाहर से परचेस करके सामान महाराष्ट्र में लेके आता है, और अदर डीलर मतलब कौन, जो लोकली सब कुछ परचेस करता है, उसका 1 रुपए का भी सामान महाराष्ट्र के बाहर से नहीं आया, ठीक है। तो अगर वो इंपोर्टर है तो कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन देखो बुक में लिखा होगा, टोटल सेल्स टर्नओवर एक्सीड्स ₹1,00,000, है कि नहीं। एंड उसके साथ दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए, वो क्या था सेकंड कंडीशन का ए, टैक्सेबल लोकल परचेस एटलीस्ट ₹10,000, और इंग्लिश वाला और ओ आर क्या था, टैक्सेबल लोकल सेल्स एटलीस्ट ₹10,000। अगर फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गया तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो अदर डीलर है, सेकंड कंडीशन तो डिट्टो है, मगर फर्स्ट कंडीशन चेंज हो गई, उसमें क्या चेंज हो गया, 1,00,000 का बन गया 10,00,000। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल सेल्स टर्नओवर एक्सीड्स ₹10,00,000 एंड टैक्सेबल लोकल परचेज एटलीस्ट ₹10,000, टैक्सेबल लोकल सेल्स एटलीस्ट ₹10,000, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो अपने को करना पड़ेगा। हम इन क्वेश्चन को 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 4 सिंपल क्वेश्चन थे, वहां पे सिर्फ इतना ढूंढना था कि वो इंसान कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन हमने शुरू किए थे वो ऐसे थे कि कंडीशन कब सेटिस्फाई हो रही है और कब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहली थी कैटेगरी, मतलब उसने इंपोर्ट किया है कि नहीं किया, अगर किया है तो वो इंपोर्टर है कि अदर डीलर है, वो था कैटेगरी। स्टेप नंबर 2 था कंडीशन, अगर वो इंपोर्टर है तो इंपोर्टर की कंडीशन लिखो, अदर डीलर है तो अदर डीलर की कंडीशन लिखो। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में मुझे कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, पहले तो मंथ या डेज जो भी है वो, फिर टोटल सेल्स क्यूमुलेटिव टोटल सेल्स, टैक्सेबल लोकल परचेज उसका क्यूमुलेटिव, फिर टैक्सेबल लोकल सेल उसका क्यूमुलेटिव, मतलब तीनों कंडीशन और तीनों कंडीशन का क्यूमुलेटिव। तीन कंडीशन कहाँ से आई, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड का ए एंड सेकंड का बी, इन तीनों कंडीशन और उसके क्यूमुलेटिव, और स्टार्टिंग में इनिशियली पर्टिकुलर वाला कॉलम, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन। तो हमने ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 2 क्वेश्चन मैंने तुम लोग को होमवर्क के लिए दिए थे, आई होप तुम लोगों ने नहीं किए, फटाफट कर लो। हाँ, उसके बाद अब मैं एक थोड़ा सा सीनियर क्वेश्चन कर रहा हूं, सीनियर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब मैं जरा क्वेश्चन रीड करता हूं। मिस्टर कैलाश फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज टर्नओवर ऑफ परचेस एंड सेल्स ट्रांजैक्शन, फाइंड आउट वेदर एज पर प्रोविजन ऑफ एमवैट 2002 ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब उन्होंने भले ही ऐसा पूछा है कि वेदर इज लायबल, बट अपने को कैलकुलेट पूरा करना पड़ेगा कि कब से लायबल। अब देखो क्या है, फर्स्ट कॉलम दिया है मंथ, दूसरा कॉलम है डिटेल्स ऑफ परचेस। अब डिटेल्स ऑफ परचेस के अंदर सब कॉलम देखो, टैक्स फ्री गुड्स, मतलब उसने टैक्स फ्री गुड्स परचेस किया है, इम्पोर्ट ऑफ टैक्स फ्री गुड्स एंड टैक्सेबल गुड्स एंड टोटल, एंड डिटेल्स ऑफ सेल्स में टैक्स फ्री गुड्स, टैक्सेबल गुड्स एंड टोटल, ठीक है। अब ये बहुत ही बड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है, तो स्टेप नंबर 1 तो ये होता है कि पहले ढूंढना पड़ेगा ये इंसान इंपोर्टर है कि इंपोर्टर नहीं है। तो जरा देखो ना, इंपोर्टर है क्या, डिटेल्स ऑफ परचेस में कहीं पे भी इंपोर्ट जैसी हिंट अगर होगी ना तो वो इंपोर्टर है क्या, डिटेल्स ऑफ परचेस यस है, इंपोर्ट टैक्सेबल भी इंपोर्ट किया है, टैक्स फ्री भी इंपोर्ट किया है, इसका मतलब ये इंसान इंपोर्टर है। बस अब दुनिया भर की बातें साइड में रखो, सिर्फ इतना ही लिखना है कि कैलाश ने इंपोर्ट किया है, देयरफॉर ही इज एन इंपोर्टर। तो मैं कैसे लिखूंगा, मिस्टर कैलाश हैज इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, देयरफॉर ही इज एन इंपोर्टर। बस ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, कंडीशन। अब मुझे कंडीशन लिखनी है और ये मैं लिखूंगा फॉर इंपोर्टर, क्योंकि इंपोर्टर है, अदर डीलर की कंडीशन लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। फर्स्ट कंडीशन, टोटल सेल टर्नओवर एक्सीड ₹1,00,000 एंड टैक्सेबल लोकल परचेस एटलीस्ट 10,000, टैक्सेबल लोकल सेल्स एटलीस्ट 10,000। बस स्टेप नंबर 2 हो गया। अब याद रखो ये क्वेश्चन ना 7 या 8 मार्क्स का नहीं है, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स है। अब 15 मार्क्स कैसे मिलेंगे जरा देखो। तो पहले तो ये काम हो गया,
थोड़े से चिल्डर मार्क्स मिल गए। स्टेप नंबर थ्री होगा कैलकुलेशन। अब देखो ये कैलकुलेशन के लिए बहुत बड़ा सा चार्ट मैंने बना के रखा है, पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब मुझे देखना पड़ेगा इसमें कौन से महीने उन्होंने दिए। पहला उन्होंने दिया जनवरी, फिर दिया फेब, फिर दिया मार्च, फिर अप्रैल, मई एंड जून। तो इतने महीने उन्होंने दिए। अब जरा देखो टोटल सेल्स, टोटल सेल वाला कॉलम अगर मुझे लिखना है तो मुझे बताओ कौन सा कॉलम लिखना पड़ेगा। मेरे पास कौन से डब्बे है, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 डब्बे है। 7 डब्बों में से कौन सा डब्बा ऐसा है जिसमें टोटल सेल मम्मी ने छुपा के रखे, जरा बताओ कौन सा डब्बा। तो टोटल सेल मतलब लास्ट डब्बा, करेक्ट। तो लास्ट डब्बा में जनवरी के टोटल सेल्स कितने आएंगे, 86,000। फरवरी के आएंगे 2,01,000। मार्च के आएंगे 1,61,000। फिर 2,52,000। फिर आएगा 4,00,000 और आखिरी आएगा 4,00,000। डन। अब मुझे चाहिए टैक्सेबल लोकल परचेस। अब टैक्सेबल लोकल परचेस के लिए पहले मुझे आना पड़ेगा परचेस में, परचेस के बाद जाना पड़ेगा लोकल या फिर टैक्सेबल। मुझे बताओ टैक्सेबल लोकल परचेस ऐसा कुछ भी कॉलम दिख रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा क्योंकि है ही नहीं। अब जरा देखो फर्स्ट कॉलम जो उन्होंने दिया है टैक्स फ्री गुड्स। अब ये महाराष्ट्र से लिया है कि महाराष्ट्र के बाहर से लिया है, कुछ नहीं बोला तो हम लोग अज्यूम करेंगे ये महाराष्ट्र से ही लिया है। तो ये क्या हो गया, लोकल टैक्स फ्री परचेस हो गया। नेक्स्ट दिया इंपोर्ट, इंपोर्ट में टैक्सेबल टैक्स फ्री, बट अपने को इंपोर्ट नहीं चाहिए लोकल चाहिए। अब ये लोकल तो है ही नहीं, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, या करना पड़ेगा डैश, इधर भी डैश, इधर भी डैश, डैश डैश डैश। टैक्सेबल लोकल परचेस वाला कॉलम हमारे पास है ही नहीं। अब मुझे चाहिए टैक्सेबल लोकल सेल्स। अब डिटेल्स ऑफ सेल्स देखो, डिटेल्स ऑफ सेल्स में महाराष्ट्र में बेचा है कि महाराष्ट्र के बाहर बेचा, ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं। अगर कुछ नहीं दिया है मतलब ये सब कुछ महाराष्ट्र में ही बेचा। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट टैक्सेबल और टैक्स फ्री तो हम लोग अज्यूम करेंगे टैक्सेबल। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट लोकल और आउटसाइड महाराष्ट्र हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, इट इज विद इन महाराष्ट्र स्टेट। तो ये हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा कि ये विद इन महाराष्ट्र स्टेट है। तो टैक्स फ्री गुड्स एंड टैक्सेबल गुड्स, इसमें से टैक्सेबल वाला कॉलम कौन सा है, सेकंड लास्ट कॉलम। तो सेकंड लास्ट कॉलम लिखना पड़ेगा 6,000, 1,600 और एक बार 1,600, फिर 8,000, फिर 50,000 एंड लास्ट और एक बार 50,000। डन। तो ये मेरा काम हो गया है, क्वेश्चन का काम हो गया। अब मुझे चालू करना है क्यूमुलेटिव। तो मेरा आ गया कैलसी, अब मुझे सब करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव। चलो क्यूमुलेटिव कर लेते हैं। सबसे पहले है 86,000। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, 86 तो मैं यहाँ पे लिख ही दूंगा, 86,000 प्लस 2,01,000, 2,87,000, फिर उसमें 1,61,000 ऐड करने हैं, 2,87,000 प्लस 1,61,600, 1,61,600 से हो जाएगा 4,48,600। नेक्स्ट क्या आएगा, अरे तुम लोग कर रहे हो क्या, जरा ट्राई करो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या लिखूंगा, 2,48,600 के बाद उन्होंने दिया 2,52,000, तो मैं लिखने वाला हूँ 2,52,000 प्लस 4,00,000, 6,52,000 प्लस 4,00,000, 10,52,000। अब लोग सोच रहे सर को क्या हो गया, सर ने इसको ऐड क्यों नहीं किया। वो इसके लिए ऐड नहीं किया क्योंकि बीच में हमारा साल चेंज हो रहा है। अगर किसी ने नोटिस किया है तो अपना फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता है और इधर देखो क्या हो गया, मार्च आ गया। इसका मतलब नया साल नया कैलकुलेशन। अगर इस जगह पे उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद इधर अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो पहले मैं ये सॉल्व करूंगा, ये सॉल्व करने के बाद अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है तो फिर मुझे ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब लॉजिकली सोचो, क्वेश्चन बनाने वाले ने इतनी मेहनत करके बड़ा सा क्वेश्चन बनाया है तो लॉजिकली इधर तो आंसर आएगा नॉट लायबल। अगर यहीं पे लायबल होगा तो क्वेश्चन वेस्ट होगा ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इधर सेटिस्फाइड नहीं होगा और यहाँ पे अपने को फिर से चेक करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस पार्ट को पहले सॉल्व करने वाला हूँ। मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिया है, 16, 16, 16, तो ये कौन सा ईयर होगा, 2015-16, और अगर ये 2015-16 तो ये क्या होगा, 2016-17, तो ये भी 16, 16 एंड 16। तो अब मैं उसको क्यूमुलेटिव करूंगा, एक डैश प्लस और एक डैश डबल डैश प्लस और एक डैश ट्रिपल डैश,
ऐसा होता है क्या? नहीं, डैश मतलब डैश। अब उधर 6000, 7600, 9200। चलो अब मैं पहले वो चेक करूंगा, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन का ए, सेकंड कंडीशन का बी। चलो देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, टोटल सेल्स होनी चाहिए 1,00,000 क्रॉस होनी चाहिए। इसका 1,00,000 क्रॉस हो रहा है क्या? 1,00,000 क्रॉस, यस, इधर हो गया। तो अगर इसका 1,00,000 क्रॉस हो गया, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मुझे बताओ, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? अरे नहीं सर, ऐसे क्या करें, तो दूध आ गया, बिस्किट भी तो चेक करने हैं। चलो बिस्किट चेक करने हैं। बिस्किट चेक करने के लिए ह्यूमिलिटी टोटल टैक्स एवं लोकल परचेस होनी चाहिए 10,000, नहीं हुआ। टैक्स एवं लोकल सेल्स होनी चाहिए 10,000, नहीं हुआ। इसका मतलब गड़बड़ ऐसी हो रही है कि सेकंड कंडीशन का ए भी नहीं हो रहा है, सेकंड कंडीशन का बी भी नहीं हो रहा है। देयरफॉर इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या पता है, अपने को ये क्वेश्चन दो बार सॉल्व करना है। दो बार कैसे? पहले मैं सॉल्व करूंगा 15-16 के लिए, उसके बाद सॉल्व करूंगा 16-17 के लिए। तो ये मेरा कंक्लूजन किस ईयर के लिए था? 2015-16। सो इन 2015-16 फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड, सेकंड का ए एंड सेकंड का बी नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद 2016-17 के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब इसका क्यूमुलेटिव करना है, डैश डैश डैश, इसका क्यूमुलेटिव करना है 8000, 58000 एंड 1,08,000, डन। अब मैं करूंगा क्यूमुलेटिव, टैक्सेबल टोटल सेल्स होनी चाहिए 1,00,000, यही पे हो गए। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन का ए नॉट सेटिस्फाइड एंड सेकंड कंडीशन का बी सेटिस्फाई हो रहा है इधर। सो सेकंड कंडीशन का बी सेटिस्फाइड, तो उसको रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा। और अपने को इतना ही नहीं ढूंढना होता है, अपने को क्या ढूंढना होता है कि कब लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये देखो, ये मैंने बनाया टाइमलाइन, अप्रैल मई एंड जून, क्योंकि मेरे पास तीन ही महीने। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अप्रैल में, सेकंड कंडीशन का ए हो रहा ही नहीं है, और सेकंड कंडीशन का बी हो रहा है जून में। मुझे बताओ कौन से महीने में उसकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई? दूध आ गया, बिस्किट आ गया, मतलब जून महीने में उसकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। सो उसको रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ेगा? इन द मंथ ऑफ जून, और जून महीने से ही इज लायबल फॉर पेमेंट। इसका मतलब 15-16 में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। बट 16-17 में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन का बी सेटिस्फाइड, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इन जून 2016। सो दिस इज माई कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन मुझे दो बार लिखना पड़ेगा, एक 15-16 के लिए, एक 16-17 के लिए। तो बस ये डबल काम करने के लिए मुझे 15 मार्क्स मिलने वाला है। ये क्वेश्चन जब 7 मार्क का था तो ये काम एक ही बार करना था, अब 15 मार्क्स का हो गया, मतलब कुछ एडिशनल कुछ नहीं आया, सिर्फ एक ही पॉइंट आया कि इस क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करेंगे। अब तुम लोग क्या करने वाले हो, जल्दी जल्दी इसको लिखने वाले हो। पहले तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर है 8, फिर स्टेप नंबर 3 इसको कॉपी करोगे, एंड स्टेप नंबर 4 कंक्लूजन तुम लोग खुद लिखने वाले हो। खुद कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे फॉर, चलो मैं तुम लोग को बता देता हूं कैसे लिखना है। स्टेप नंबर 4 कंक्लूजन, पहले लिखेंगे फॉर 2015-16, बस यहां लिखने के बाद लिखेंगे फॉर 2016-17 और उसका कंक्लूजन, डन। सो ये कंक्लूजन भी तुम लोग लिखोगे, ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम जून 2016, बस दिस इज माय एंड आंसर। तो फटाफट इसको कॉपी करो, फिर जाएंगे आगे।
ओके तो ये क्वेश्चन सबका हो गया है। अब और एक क्वेश्चन बहुत ही भयानक सा क्वेश्चन अपने को करना है, वो ये कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। हुआ ऐसा था, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था और आधे से ज़्यादा लोग छोड़ के आ गए, उनको पता ही नहीं चला करना क्या है। तो ज़रा देख लेते क्वेश्चन क्या है, पूछा तो सेम चीज़ है, दिख रहा कुछ भलता ही है। राम एंड कंपनी फर्निसेस यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट फ्रॉम विच डे द कंपनी इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो उसकी कंपनी किस दिन से लायबल है वो अपने को ज़रा ढूंढना पड़ेगा। चलो देखते हैं, सेल्स रजिस्टर एंड परचेस रजिस्टर दिया है, अब क्या करें। अब तक के क्वेश्चन में कैसा था जरा उसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। समरी दी थी हर महीने की, समरी कि अप्रैल महीने में विद इन महाराष्ट्र क्या परचेस किया है, विद इन महाराष्ट्र क्या बेचा है, या आउटसाइड महाराष्ट्र क्या बेचा है, जो भी चीज़ें हैं पूरी समरी दी थी उस महीने की क्या है। ये उन्होंने महीने का सेल्स रजिस्टर और परचेस रजिस्टर दे दिया, तो अपने को पहले समरी बनानी पड़ेगी अपने ख्यालों में, और उस ख्यालों की समरी से फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बट गड़बड़ ऐसी होती है, समरी ना पूरे 4-5 महीनों की थी, एक ही महीने में, एक ही महीने की इतने पर इतने सेल, तो कौन से महीने से लायबल, व्हाट नॉनसेंस, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या करना पड़ेगा अपने को जरा देखते हैं, हम डे के हिसाब से सॉल्व करेंगे, अभी मंथ के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। तो सेल्स रजिस्टर और परचेस रजिस्टर, अब ये परचेस रजिस्टर और सेल्स रजिस्टर देख के तुम लोग खुद मुझे बताने वाले हो कि इंसान इम्पोर्टर है कि नहीं है। चलो मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ। इम्पोर्टर है मतलब क्या, तो महाराष्ट्र के बाहर से परचेस करने वाला, और इम्पोर्टर नहीं है मतलब क्या, तो महाराष्ट्र के बाहर से परचेस नहीं करने वाला। तो अपने को ये ढूंढने के लिए परचेस रजिस्टर देखना है कि सेल्स रजिस्टर, तो 100% परचेस रजिस्टर। अब परचेस रजिस्टर देख के मुझे बताओ ये इंसान इम्पोर्टर है कि नहीं है, और है तो क्यों। चलो देखते हैं परचेस रजिस्टर में क्या क्या कॉलम है, डेट, बिल नंबर, टैक्स इनवॉइस, प्लेस, पार्टी, पार्टी मतलब सामने वाला पर्सन, अमाउंट एंड रिमार्क। सो फर्स्ट परचेस उसने किया है नासिक से, किया है टैक्सेबल, नासिक तो लोकल है, महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट परचेस उसने किया है मुंबई से लेबर चार्जेस, ये लेबर चार्जेस मतलब कुछ सामान नहीं आया, मुझे बताओ लेबर चार्जेस मतलब सामान आया कि लोग आए काम करने के लिए, तो लोग आए, किसी ने लोग हमारे पास भेजे मतलब उसने हमें सर्विस प्रोवाइड की है, उसने हमें सामान नहीं बेचा है, ठीक है, तो ये परचेस में नहीं आएगा। नेक्स्ट पंडरपुर, पंडरपुर महाराष्ट्र में आता है क्या, यस सर ऑब्वियसली पंडरपुर आता है, पर टैक्स फ्री। बनारस यूपी, ये बनारस यूपी महाराष्ट्र में आएगा क्या, नहीं, बनारस किधर आएगा, यूपी में, यूपी किधर है, महाराष्ट्र के बाहर। इसका मतलब इसने बनारस यूपी से 15,000 का परचेस किया है, मतलब ये इंसान इम्पोर्टर है। अब जरा क्वेश्चन सुनो, ये जो 15,000 का उसने बनारस से परचेस किया है, अगर ये 5,000 का परचेस होता तो इसको इम्पोर्टर बोलते क्या, हाँ बोलते। अगर ये 50 रुपये का होता तो उसको इम्पोर्टर बोलते क्या, हाँ बोलते। अगर ये 50 पैसे का चॉकलेट लेके आता महाराष्ट्र के बाहर से तो भी उसको इम्पोर्टर बोलते क्या, हाँ इम्पोर्टर बोलते। क्यों बोलते, क्योंकि अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, उसने महाराष्ट्र के बाहर से परचेस किया है मतलब ये इंसान इम्पोर्टर है, बस बात खत्म हो गई। तो अभी अपने को क्या करना है, पता तो चल गया कि इंसान इम्पोर्टर है, तो अपने को लिखनी है स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। अगर इस ऐसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो तुम लोगों को लगता है भाई ये तो सॉल्व होने लायक नहीं है, तो एटलीस्ट आधा तो सॉल्व कर सकते हो, पूरा छोड़ने से अच्छा स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 इतना तो हो ही सकता है। चलो चेक करते हैं स्टेप नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर है 6। राम एंड कंपनी हैज इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, देयरफॉर कंपनी इज इंपोर्टर, डन। तो अपने को पता चल गया कि ये कंपनी इंपोर्टर है, अगर इंपोर्टर है तो मुझे इंपोर्टर की कंडीशन लिखनी है, टोटल सेल टर्नओवर एक्सीड रुपीज 1,00,000, डन बस, एंड स्टेप नंबर 2 फिक्स। तो आधा काम तो हो गया, एटलीस्ट थोड़े तो मार्क्स मिल जाए, तो एग्जाम में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज करना, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो ऐसा थोड़ा सा तो लिख के आ जाओ। स्टेप नंबर 3, ये सब कुछ बना लो, अगर उसको आप पे दया आ जाए तो 1-2 मार्क्स तो मिल जाए फॉर्मेट बनाने के। अब देखते क्या करना है, अब उन्होंने क्या किया है, मंथ दिए नहीं है, डेट्स दिए, तो अगर डेट्स दिए हैं तो मुझे डेट्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। गड़बड़ ऐसी होगी हर जगह अलग अलग डेट्स है, इसके पहले कैसे था, अप्रैल महीना अप्रैल महीने के सारे डिटेल दे रहे हैं, बट इधर ऐसा नहीं है। इधर देखो उन्होंने क्या किया, सेल्स रजिस्टर में पहला सेल है 10 अक्टूबर को, ठीक है, और परचेस रजिस्टर में पहला परचेस है 1 अक्टूबर को। इसका मतलब हर जगह मुझे डेट का कॉलम लगेगा, मुझे इसके बाजू में एक डेट का कॉलम लगेगा, टैक्सेबल लोकल परचेस के बाजू में डेट का कॉलम लगेगा, एंड टैक्सेबल लोकल सेल्स के बाजू में भी डेट का कॉलम लगेगा। हे भगवान सर, यही 6-7 कॉलम है वही फिट नहीं हो रहे, आप और 3 कॉलम बढ़ा रहे हो। तो दूसरा ऑप्शन हम क्या करेंगे, हम ये वाला कॉलम बनाएंगे ही नहीं,
हम विदाउट दिस कॉलम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, देखो कैसे। टोटल सेल्स, अब मुझे चाहिए टोटल सेल्स, मतलब मुझे देखना पड़ेगा सेल्स रजिस्टर। तो अगर मुझे सेल्स रजिस्टर देखना है, चलो पहले उसको रीड करना पड़ेगा, डेट, बिल नंबर, टैक्स इनवॉइस, पार्टी, अमाउंट एंड रिमार्क। तो ये सारी डिटेल्स हमारे पास है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इधर क्या हो रहा है। सो 10th अक्टूबर 2015 को उसने सिद्धि एंड कंपनी को सेल किया 20,000 का टैक्सेबल, फिर दी एंड कंपनी 5,000 का लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस कुछ सेल नहीं होता भाई, ये तो लोग गए थे काम करने के, तो सर्विस हो गया, तो लेबर चार्जेस के बाजू में छोटा सा एक क्रॉस कर दो। नेक्स्ट विनायक एंड कंपनी 40,000 का टैक्स फ्री, अश्विन एंड कंपनी 80,000 का टैक्सेबल, शीतल एंड कंपनी 40,000 का टैक्सेबल। हे भगवान, ठीक है अब मुझे क्या करना है बताएं। टोटल सेल्स, टोटल सेल मतलब सब कुछ आ गया, टैक्सेबल, टैक्स फ्री, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर, लेबर चार्जेस छोड़ के सब जगह पे हम लोग इसको ऐड करने वाले। सो फर्स्ट आएगा 20,000, तो ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट 5,000 नहीं लिखूंगा, 40,000 लिखूंगा, नेक्स्ट 80,000 लिखूंगा, नेक्स्ट 40,000 फिर से लिखूंगा, बस। तो ये मेरा काम हो गया। उसके बाद मैं जाऊंगा टैक्सेबल लोकल परचेस, तो मुझे जाना पड़ेगा परचेस रजिस्टर में। अब जरा देखो टैक्सेबल लोकल परचेस, परचेस रजिस्टर में अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे इसको कैसे पढ़ना पड़ेगा। तो नासिक 40,000 टैक्सेबल, टैक्सेबल भी होना चाहिए और विद इन महाराष्ट्र भी होना चाहिए। ये नासिक से परचेस किया, टैक्सेबल है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ टैक्सेबल लोकल परचेस मिल गया 40,000। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, तो मुंबई मतलब लोकल है, लेबर चार्जेस मतलब ये सेल नहीं है तो इसके आगे क्रॉस कर दो, ये अपना परचेस भी नहीं है, ये सामान है ही नहीं। नेक्स्ट पंडरपुर टैक्स फ्री, पंडरपुर से परचेस किया है, लोकली परचेस किया, महाराष्ट्र से परचेस किया है, बट टैक्सेबल परचेस नहीं है, टैक्स फ्री परचेस है, इसका मतलब मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। नेक्स्ट बनारस यूपी, मतलब ये क्या है, बनारस यूपी मतलब ये लोकल नहीं है, भले ही टैक्सेबल है बट लोकल नहीं है, लोकल भी होना चाहिए और टैक्सेबल भी होना चाहिए। पंडरपुर लोकल है बट टैक्सेबल नहीं था, ये वाला टैक्सेबल है बट लोकल नहीं है। नेक्स्ट मुंबई टैक्सेबल, यस ये मैं लिख सकता हूँ मुंबई टैक्सेबल 1,60,000, और नेक्स्ट है 20,000 वो भी लिख सकता हूँ मुंबई टैक्सेबल, डन। अब मुझे चाहिए टैक्सेबल लोकल सेल्स, टैक्सेबल लोकल सेल्स के लिए जाना पड़ेगा सेल्स रजिस्टर में। सो टैक्सेबल लोकल सेल्स पहला 20,000 लिख दिया, नेक्स्ट है लेबर चार्जेस नहीं लिख सकता, टैक्स फ्री नहीं लिख सकता, 80,000 टैक्सेबल ये लिख सकता हूँ, और उसके बाद 40,000 टैक्सेबल वो भी लिख सकता हूँ, डन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका क्यूमुलेटिव करना है, चलो क्यूमुलेटिव करते हैं। पहला 20,000, 60,000, 1,40,000 एंड 1,80,000, इधर 40,000, 2 लैक्स, 2 लैक्स 20,000, 20,000, 1 लाख, 1,40,000, बस। अब मेरा क्यूमुलेटिव हो गया, अब मुझे देखना है उसने कौन सी कंडीशन कब कंप्लीट की थी। टोटल सेल उसके होनी चाहिए 1,00,000 क्रॉस, 1,00,000 क्रॉस, 1,00,000 क्रॉस, 1,00,000 क्रॉस, इधर हो गया। टैक्सेबल लोकल परचेस होनी चाहिए 10,000 पहले ही हो गए, टैक्सेबल लोकल सेल्स होनी चाहिए 10,000 वो भी हो गए, इसका मतलब उसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कंक्लूजन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन का ए सेटिस्फाइड, बी भी सेटिस्फाइड, तो अपने को ये तो पता चल गया उसको रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फ्रॉम, इधर लोचा हो गया। चलो देखते हैं कौन सा कंडीशन किस दिन कंप्लीट हुआ है, अब जरा गौर से देखो। सेकंड फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट कब हुई, डेट दिख रही है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या, तो फर्स्ट कंडीशन कब कंप्लीट हुई, जब उसने ये 80,000 का सेल किया है, और ये 80,000 का सेल उसने किस दिन किया है, जरा चेक करो ना, 80,000 का सेल उसने किस दिन किया है, वो उसने किया है 25th अक्टूबर को, मतलब फर्स्ट कंडीशन कंप्लीटेड 25th अक्टूबर 2015। चलो सेकंड कंडीशन का ए, ये कब सेटिस्फाई हुआ, जब उसने ये 40,000 का परचेस किया, और उसने 40,000 का परचेस परचेस रजिस्टर में देख लो कब किया है, ऑन 1st अक्टूबर 2015। और सेकंड कंडीशन का ए, 20,000 कब कंप्लीट हुआ, जब उसने ये 20,000 का सेल किया, उसने 20,000 का सेल किस दिन किया, उसने किया है ऑन 10th अक्टूबर 2015, बस। अब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है इसमें से किस दिन उसकी शॉपिंग कंप्लीट हुई। अब तक क्या हो रहा था, मैं ऐसे मंथ बना रहा था, ये एक ही महीना में बनाने वाला हूँ, अक्टूबर,
एक तारीख, यहाँ पे होगी अप्रोक्सीमेटली 10 तारीख, इधर होगी 25 तारीख और इधर होगी 31st। ओके, अब जरा देखते हैं कौन सी कंडीशन कब कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो रही है 25th अक्टूबर, सेकंड कंडीशन का ए कंप्लीट हो रहा है 1st अक्टूबर एंड सेकंड कंडीशन का बी हो रहा है 10th अक्टूबर। डन। अब बताओ कौन सी तीन शॉपिंग कंप्लीट हुई 25th अक्टूबर, क्योंकि एक बिस्किट आ गया, ये बिस्किट इरेलेवेंट, या फिर दूध आ गया, मतलब उसको कंडीशन कंप्लीट हो रही है 25th अक्टूबर, तो ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 25th अक्टूबर 2015। बस दिस इज माई कंक्लूजन, जो तुम लोग अच्छे वर्ड्स में लिखने वाले हो, क्योंकि कंक्लूजन लिखने में ही तुम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो वो काम मैं तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ, अपने पास पूरा फॉर्मेट रेडी है। तुम लोग क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और ये स्टेप नंबर 4 कंक्लूजन फटाफट लिखोगे। सो ये विदाउट डेट का कॉलम हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग खुद सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में तुम लोग को यही देखना है कि इसमें सेल का हो रहा है, परचेस का हो रहा है, इंपोर्टर है कि नहीं है, इसी तरीके से करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में तुम लोग विदाउट डेट कॉलम करने वाले हो, तुम लोग खुद करने वाले हो, ये क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, ठीक है। तो बस अपना रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट हो गया खत्म, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो जल्दी से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लो, छोटा सा ब्रेक ले लो, पानी पी के आ जाओ, फिर हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं।